करीब 3 साल तक विदेश में सचिव के पद पर तैनात रहने वाले एस जयशंकर विदेश मंत्री बन गए हैं। मोदी कैबिनेट में चौंकाने वाली एंट्री, फिर विदेश जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी यानी CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में हिस्सेदारी। ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ा तय कर रखा है। भारत के विदेश नीति में पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बड़ी भूमिका होती है। एस जयशंकर की पहचान पाकिस्तान के साथ कड़क और तंज भाषा में बात करने की रही है। ये जयशंकर ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जब तक आतंकवाद नहीं तब तक बातचीत की नीति तय की थी। इससे पहले जयशंकर चीन के राजदूत भी रह चुके हैं। ऐसा उनके विदेश मंत्री बनने से भारत और चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनने में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। एस जयशंकर पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं और उनके कामकाज के तरीके को पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं। अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। जाहिर है कि पड़ोसियों के साथ साथ दूर दराज के देशों के साथ ही रिश्तों को लेकर कुछ तय कर रखा है। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय मिलने से एक बात साफ है, पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ कोई नरमी बरतने को तैयार नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट आप तक।